हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल। आज मैं आपको एक और सिंपल मेहंदी का डिजाइन बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स, जिसको घर पर कोई भी इजीली बना सकता है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें अपनी नेहा मेहंदी चाहिए फ्रेंड्स, और हमें चाहिए ईयरबड। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस टाइप का होता है, इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बार हम यहाँ इस कॉर्नर से बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको बस डॉट लगानी है, 4 से 5 डॉट लगा लीजिए थोड़ी दूर दूर पे फ्रेंड्स, और मोटी डॉट होनी चाहिए इस टाइप से। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 डॉट लगा लीजिए। मैं पूरे हाथ की मेहंदी बताने जा रही हूँ आपको। एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाइए फ्रेंड्स, दूर दूर डॉट लगा लीजिए अच्छे से। जितनी मोटी आप डॉट लगाएंगे फिर मेहंदी का उतना ही अच्छा कलर आएगा, डार्क मेहंदी रचेगी फ्रेंड्स। ये देखिए इस टाइप से दूर दूर आप लगा लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी टाइप से मैंने सारे हाथ पे अपनी डॉट लगा ली है। अब इसके बाद ईयरबड का नंबर आता है फ्रेंड्स। तो ईयरबड से आप इसको, या तो आप इसको यूं यूं करके इसको डार्क कर सकते हैं, या फिर एक फ्लावर का रूप दे सकते हैं इस टाइप से इसको पुश करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर बन गया। इसी टाइप से आप सारे पे ईयरबड चला दीजिए और ये फ्लावर बन जाएगा। कम से कम आपको 4 या 5 ड्रॉप तो लगाने ही फ्रेंड्स, तभी ये फ्लावर का रूप लेगा। आप 2 या 3 डॉट लगाएंगे तो ये फ्लावर का रूप नहीं लेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फ्लावर इस टाइप से हम अपना ईयरबड की हेल्प से अपने सारे फ्लावर इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप बीच में एक डॉट लगा दीजिए ताकि इसका सेंटर पॉइंट भरा हुआ लगे। इसकी आउटलाइन करने की आपको जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये देखिए। और हम इन दोनों को, इन सभी जितने भी मैंने फ्लावर बनाए हैं, इन सबको आपस से जोड़ देंगे, तभी ये देखने में अच्छे लगेंगे। आपस में जोड़ने के लिए हम यहाँ से यूं लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी है, तो दूसरी लाइन आप इस तरफ से ड्रॉ कर दीजिए, तो ऐसे लगेगा कि ये सारी एक बेल है। इस टाइप से आप इन सबको आपस में अटैच कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया। इसके बाद आपको फिर वही करना है, दोनों तरफ आपको डॉट लगानी है फ्रेंड्स। हमारी इस लाइन से दूर दूर डॉट लगानी है सभी जगह। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से थोड़ी मोटी सी डॉट लगानी है पूरे एंड तक। मैं लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, मैंने सभी जगह अपने डॉट लगा ली है। इसके बाद फिर हम वही रिपीट करेंगे, अपने ईयरबड लेंगे और इसको यूं पुश कर देंगे फ्रेंड्स धीरे धीरे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से आप धीरे धीरे इसको पुश कर दीजिए, तो ये हमारी बेल पूरी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से आप इसको कर दीजिए। आप चाहो तो इसकी आउटलाइन भी कर सकते हो, बट मैं इसकी आउटलाइन नहीं करूंगी, मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आउटलाइन करना दिखाया था फ्रेंड्स, आप चाहो तो कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से आप इसको नीचे की तरफ पुश कीजिए और ये थोड़ा फ्लावर का पत्ती का रूप ले लेगा, और ऐसे लगेगा फ्रेंड्स जैसे ये हमारी पूरी एक बेल है, जैसे सारी की सारी बेल हमारी हथेली पर उतरी आई है, ऐसा लगेगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस टाइप से लगती है फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसके साइड साइड में डॉट लगाकर इसको पूरा भर सकते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से यूं तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से फ्रेंड्स, और यहाँ ऊपर से इस टाइप से घुमा घुमा के एक लहर सी बना देंगे, और इसके ऊपर एक सिंपल लाइन यूं खींच देंगे फ्रेंड्स। बीच में टूट जाए तो आप उसको कवर कर सकते हैं, और यहाँ बीच में फ्रेंड्स हम मेहंदी भर देंगे। तो ये हमारा एक प्रॉपर डिजाइन सा बनकर रेडी हो जाएगा। ये जो यहाँ बीच में जगह खाली बची है, आप चाहो तो इसमें नाम लिख सकते हो, मैं सिंपली यहाँ डॉट लगा रही हूँ। ये देखे फ्रेंड्स, इस तरफ भी बन गया है और इस तरफ भी हम यहाँ बना लेते हैं। तिरछी बनाएंगे फ्रेंड्स तो ये ज्यादा अच्छी लगेगी। तो हमारी ये खाली जगह है, यहाँ पे भी मैं एक ड्रॉ कर देती हूँ। सिंपल लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद इस टाइप से लहर बना दीजिए, ऊपर एक लाइन खींच के बस इसको कवर कर दीजिए फ्रेंड्स। रचने के बाद फ्रेंड्स, ये मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कर लीजिए फ्रेंड्स। मैंने ऊपर भी इसी टाइप से बना लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हथेली भी भर गई है और हमारा हाथ भी देखने में ऐसा लग रहा है कि हमने मेहंदी पे बहुत खर्च किया है, बहुत अच्छी मेहंदी लगवाई है, काफी पैसे खर्च किए हैं। और ये तो हमने सिंपल घर में ही बनाई है, इजीली बन जाती है फ्रेंड्स। इसी टाइप से आप तीज त्योहारों पे अपने घर पे ही मेहंदी लगाइए, और अपने
फैमिली के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और सबको फिजूल खर्ची से बचाइए फ्रेंड्स। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो अपना छोटे मोटे काम करके घर पर ही अपने, अपना परिवार का और अपने हस्बैंड के पैसे बचाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से हमारी मेहंदी का लुक ये है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मेहंदी का फाइनल लुक ये है।